गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। जैसा डेट हम लोग का अनाउंसमेंट हो चुका है 8 अगस्त, आई होप सो कि सभी का प्रेपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और ये लास्ट 2 डेज से राजू हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं उनका, और इसी तरह से 7 to 8 स्टूडेंट्स हैं उनका। काफ़ी कॉमेंट्स व्हाट्सएप और मेरे इस चैनल पर भी आ रहा है रिगार्डिंग कि स्लाइड्स में कटअप कितना होना चाहिए जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है, अदरवाइज जो स्कॉलरशिप पाने के लिए मार्क्स कितना होना चाहिए। सो इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, और कुछ अनदर टॉपिक होगा उसको भी लेकर के इस क्लास में हम लोग इस चीज़ को समराइज करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये डे नज़दीक आ रहा है तो प्रेशर जो होता है एक तरह का वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइम का यूटिलाइज आपके क्लासेस में, और जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो हमने बना रखे हैं या जो मेरे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उसका एटलीस्ट 30% तक तो मैं आप तक पहुँचा ही दूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर जो 6 मंथ्स का जो होता है वो ड्यूरेशन इस शॉर्ट इंटरवल में तो टोटल नहीं पहुँचा पाऊँगा, लेकिन ट्राई करूँगा कि आप द बेस्ट रैंक लेकर के आए, 100+ आपका मार्क्स हो। तो पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं रिगार्डिंग कट ऑफ और रिगार्डिंग जो है वो स्कॉलरशिप के लिए। देखिए, स्कॉलरशिप के लिए जो स्लाइड्स का जो प्लानिंग होता है वो बहुत सारे चीज़ों पे वैरी कर सकता है। पहला तो है कि आपका जो जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी से हैं आप ये लेकर के चल सकते हैं कि 80+ में अगर आपका मार्क्स आ जाता है, इसके बाद आपका ट्रेड क्या मिला, उस ट्रेड में आपका पोजीशंस क्या आया। सपोज मैकेनिकल में हम हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक कुछ भी रहने दीजिए, मैकेनिकल में अगर वेल्डिंग ट्रेड में है तो वेल्डिंग ट्रेड में टॉप 2 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट किया जाता है। कुछ और भी कंडीशन होते हैं, सपोज आपके पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम होता है वो कम होता है रिगार्डिंग, ये भी एक पैरामीटर्स होता है। और जो गर्ल्स होती हैं उनको भी क्लासेस में 1-2 गर्ल्स होती है, उनको भी रिगार्डिंग इस सिनेरियो में रखा जाता है कि उनका भी स्कॉलरशिप में लिया जाए, क्योंकि उनका एक रिजर्वेशन कोटा होता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्कॉलरशिप के लिए जो हमारे सामने आते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लास्ट मोमेंट में मैं केवल स्कॉलरशिप का टारगेट करके और मार्क्स के ऊपर मैं फाइट करूँ। मैंने आपको बोल दिया है कि आपको मिनिमम 70 मार्क्स, अगर हम जनरल कैटेगरी में बिलोंग्स कर रहे हैं तो आप 70 का टारगेट लेकर चलिए। 80+ में रहते हैं तो आपका चांसेस 60-65%, अदरवाइज 70 भी कर सकते हैं, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स आपका स्कॉलरशिप आ सकता है, क्योंकि जो टॉप लिस्टेड जो बच्चे होते हैं उनका पहला चॉइस होता है वेल्डिंग। मैकेनिकल में जो वेल्डिंग ट्रेड है उस वेल्डिंग में चले जाते हैं। इनकेस अगर आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स होता है तो उसमें मैक्सिमम बच्चे जो टॉप लिस्टेड जो बच्चे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि कुछ एम होता है समथिंग, मैं ये करके और ये करना चाहता हूँ और रैंक काफ़ी अच्छा रहता है, तो उस कंडीशन में वो लोग इलेक्ट्रिकल को सेलेक्ट करते हैं। बट जो स्लाइड्स वो काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं वो लोग, मैक्सिमम 80% स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि मैं एक टॉप लिस्टेड अगर मैं हूँ, मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं तो मैं मैकेनिकल इन वेल्डिंग के साइड में जाऊँ। तो यहाँ पर कि अगर मैंने मेरा जो चॉइस है वो मैकेनिकल ट्रेड में वेल्डिंग को लेकर के है और आप चाहते हैं कि मेरा स्कॉलरशिप आए, तो आप 90+ में अपना टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में हैं और चाहते हैं कि मुझे ये ट्रेड मिले और इसमें स्कॉलरशिप भी मिला है, तो आपको 80+ में आपको ले करके चलना पड़ेगा। और ये जो कटअप मार्क जो है वो टाइम टू टाइम वेरी भी कर सकता है और करता भी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ और भी डाटा होता, ऑब्जर्वेशन होता, उनको भी रख करके इन चीज़ों को निकाला जाता है। और अगर मैं फूड टेक्नोलॉजी समथिंग में हूँ तो उसमें मैक्सिमम गर्ल्स थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करती हैं और आजकल तो बॉयज़ भी करने लगे हैं, तो उनका भी जो स्कॉलरशिप का जो रेंज होता है वो 80+ में ही, नॉर्मल 80+ में ही जाता है। और इस साल तो जाने ही वाला है, क्योंकि मैकेनिकल इन वेल्डिंग और फूड स्लाइड्स में बेसिकली बच्चे जिनके पहले से कोई रिलेटिव पढ़ रहे या फ्रेंड्स पढ़ रहे हो, एडवाइस करते हैं कि आप
अगर ट्रेड सिलेक्शन करना हो तो आप इस दोनों में कीजिए, क्योंकि फूड और मैकेनिकल के लिए स्लाइड जो है एक रिसर्च सेंटर है, उनके पास अपनी जो फैकल्टीज है, वहाँ के जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो डॉक्टर लेवल के हैं, और रिगार्डिंग और भी ट्रेड्स के लिए काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं। बट इन दो ट्रेड्स के लिए अब्रॉड से भी स्टूडेंट वहाँ पर आते हैं जो शॉर्ट कोर्सेस होते हैं रिगार्डिंग दिस वर्क। तो ये जो दो ट्रेड है इसके लिए ये वर्ल्ड वाइज काफ़ी फेमस है, और मैकेनिकल इन वेल्डिंग से तो बच्चे बहुत कम होते हैं जो कि डिप्लोमा के बाद बीटेक ना करते हो, क्योंकि उनका गोल अरेबियन कंट्री होता है और उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप भी है। और फूड टेक्नोलॉजी तो आजकल एक ऐसा ट्रेंड निकल पड़ा है जिसमें कि स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। तो कट ऑफ मार्क जो अगर हम डिसाइड कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है कि अगर आप सिविल के लिए फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर कट ऑफ मार्क थोड़ा सा लो जाता है, 75 to 80 जाता है। अगर उस रेंज में मार्क्स आपके आ जाते हैं तो चांसेस है कि आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप आपका आ जाएगा। लेकिन ये पहला और आखिरी नहीं है कि स्लाइड्स आपको स्कॉलरशिप देगा। मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था 2 days before, तो वहाँ भी हमने बताया था कि अगर आप कॉलेज में जाकर के बेस्ट परफॉर्मेंस अपना देते हैं तो वहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप जो है वो इशू होती रहती है, हर एक एक्टिविटीज़ के लिए होती रहती है। आप कॉलेज के साइड से कोई प्रोजेक्ट वर्क लेकर के कहीं शो करने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट 2 years में IIT BHU और बहुत जगह स्लाइड्स के स्टूडेंट गए, वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस दी बेस्ट दिया। और अभी फिलहाल में ये लोग तमिलनाडु गए थे, और अभी तो ये IIT कानपुर जाना था, लेकिन ड्यू टू ये जो चल रहा है इसके कारण वो लोग बच्चे नहीं जा पाए। तो ये लोग जो आउटसाइड में अपने कॉलेज के आउटसाइड में जो परफॉर्मेंस देते हैं, इस परफॉर्मेंस पे भी कॉलेज आपको स्कॉलरशिप देता है। तो आप स्कॉलरशिप को टारगेट ले करके आगे मत बढ़िए, आपका टारगेट होगा अपना एजुकेशन कि मैं जिस फील्ड में हूँ द बेस्ट करूँ। आपको सब चीज़ें वन बाय वन आपको मिलती जाएंगी, लेकिन केवल आप ये सोचेंगे मुझे स्कॉलरशिप के लिए इतना नंबर लाना और ये करना है, तो हो सकता है कि आप मार्क्स भी आपके पास आ जाए, स्कॉलरशिप भी आपको मिलती रहे, लेकिन उस लेवल में आपके पास नॉलेज नहीं रहे। और टेक्निकल फील्ड में नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। स्लाइड्स के साथ कुछ ट्रेंड ऐसा है कि मैक्सिमम जो 70% जो स्टूडेंट होते हैं, 60% जो स्टूडेंट होते हैं जो हमारे जो बिहार साइड से बिलोंग्स करते हैं, मैक्सिमम डिप्लोमा के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनका गेम, उनका जो एम होता है वो टोटली गवर्नमेंट सर्विसेज को लेकर के होता है, लेकिन कॉलेज की फैकल्टीज भी उनको एडवाइस करती है, और मैं भी आपसे एडवाइस कर रहा हूँ कि आप डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद फर्दर आप बीटेक में जाइए, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन कोटा आपके साथ है। बीटेक और 3 साल का वहाँ कंप्लीट कीजिए, और उस बीटेक के जब आपका बीटेक का कोर्स चल रहा होगा उस बीच में भी डिप्लोमा बेसिस पे और ITI बेसिस पे जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म निकल रहे हैं आप उसको अप्लाई करते रहिए, लेकिन बिल्कुल उस चीज़ों से हट करके और डिप्लोमा बेसिस पे ही बैठ करके और तैयारी करना, ये थोड़ा सा क्या होता है कि आप अपने कैरियर फील्ड में एज अ JEE जूनियर इंजीनियर रह जाते हैं, और फिर वहाँ से सीनियर इंजीनियर बनने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि डिप्लोमा से कहीं अगर आप जॉब में भी हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक सीनियर इंजीनियर बनूं, तो आपको बीटेक करना होता है। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक फैसिलिटी अप्लाई करती है जो देती है उन बच्चों को, और वो इंस्टीट्यूट से MI से एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके डिप्लोमा वाले जो बीटेक के लिए, बीटेक की डिग्री के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन उस डिप्लोमा बेसिस पे जॉब करते हुए MI में एडमिशन ले करके उनके पेपर को क्लियर करना बहुत टफ हो जाता है। जो बीटेक आप 3 साल में कर सकते हैं उसको एक बीटेक उस एक बीटेक को करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं, इतना लंबा टर्न ओवर के जाता है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर स्लाइड्स में इस वे में अभी आप जब जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर C3 300 15 20 नियर वॉट यही है, तो इसका मतलब है कि आप टॉप लिस्टेड ब्रिलियंट बच्चे हैं। तो डिप्लोमा करके वहाँ जा करके डिप्लोमा करके आप छोड़िए मत, बीटेक तक जाइए, और डिप्लोमा के बाद जब आप बीटेक में रहेंगे तो फॉर्म्स है डिफरेंट डिफरेंट जितने भी जॉब्स के लिए आते हैं वो डालते रहिए।
और जॉब्स का सिलेक्शन अगर प्राइवेट में होता है तो अपने सीनियर स्टाफ प्रोफेसर से एडवाइस दे लीजिए, क्या सर मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, उनका जो लिंक है वो बहुत दूर दूर तक है, वो आपको बेटर एडवाइस करेंगे। इसलिए जैसे कि इस साल में सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बच्चे डिप्लोमा के बाद वो स्लाइड्स को छोड़ करके वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए फिर कम बैक हो रहा है, तो वो जो सीटें जो हैं वो सीटें सारी जो हैं वो IIT JEE और डिप्लोमा होल्डर से वो फिलअप होकर के वो लोग बच्चे फिर आगे निकल जाते हैं। और एक अच्छा सा जो चांस आपके पास रहता है जिससे कि आप एक कम फीस में बेटर फैसिलिटीज़ में और बेटर एजुकेशन माहौल में बेटर फैकल्टीज़ के बीच में जो एजुकेशन आप ले सकते थे वो आप नहीं ले पाते हैं। कुछ ऐसे 10 में से 5-6 बच्चे होते हैं जो रिमेनिंग और को भी मिसगाइड कर लेते हैं, कहते हैं कि इनको करने से क्या फ़ायदा है, आप इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, डिप्लोमा करके बाहर निकलो, घर में बैठ कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, लाइक दिस। आप इतनी बड़ी गलती मत कीजिए, क्योंकि 3 साल करने के बाद भी आप दोबारा कम बैक होकर के वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन बीटेक कंप्लीट करने के बाद जब आप आएंगे और चीज़ों को कंप्लीट करेंगे डिप्लोमा बेसिस से ही आपका जॉब हो जाएगा, लेकिन फर्दर प्रमोशन का चांसेस आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा और आप ऑफिशियल लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो जो टॉपिक निकल कर के आए थे कट ऑफ, तो उस कट ऑफ के बारे में नियरली मैं तो अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करता हूँ कि हमें बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए इतने मार्क्स चाहिए, इतना चाहिए, वो नॉलेज मैं इंफॉर्मेशन अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मेरा एम होता है एक बेटर एजुकेशन। अगर मैं द बेस्ट के साइड में जा रहा हूँ तो मेरे साथ ही ये सारी फैसिलिटीज मुझे मिलेंगी, लेकिन मैं पर्टिकुलर गोल लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे ये ट्रेड चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो हो सकता है कि आप अपने परफॉर्मेंस में बेटर ना उतरे। जैसा होता भी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 150 नंबर होता है, कुछ लकड़ी ऐसे टिक मारते हैं कि वो निकल जाते हैं, अंदर जाकर के मैकेनिकल इन वेल्डिंग मिल जाता है, लेकिन जैसे सेकेंड ईयर में उनके मैकेनिक्स बुक्स खोलती है तो वहाँ से उसको रियलाइज होता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि मैकेनिक्स में ये टॉर्क और ये गियरिंग और बॉल गियरिंग ये सब क्या होता है, एंगल मेजरमेंट क्या होता है, वो हेड अप होने लगता है। तो लास्टली वो ये डिसाइड करता है किसी तरह से डिप्लोमा कर लो और फिर मैं निकल जाता हूँ आगे रेलवे और इन सब चीज़ों में जॉब में भरना है। आप इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक बेटर एजुकेशन माहौल लेकर के वहाँ जा रहे हैं, और ट्राई कीजिए कि वहाँ के माहौल में रह करके अपने आप को सस्टेन कीजिए, सर्वाइव कीजिए, अपने सीनियर्स का हेल्प लीजिए, अपने प्रोफेसर का हेल्प लीजिए, और इसके बाद टोटल फोकस कीजिए हाउ टू नो एवरीथिंग एल्स, अपने ट्रेड अपने एजुकेशन के बारे में बिल्कुल चिंतित रहिए, लाइब्रेरी फैसिलिटीज वहाँ पर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स है, एवरीथिंग सारी चीज़ें जो है आपके वहाँ पर केवल आप चाहते हैं और वहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो टेक्निकल से रिलेटेड आपके ट्रेड से रिलेटेड हो रिक्वायरमेंट और आपको उस इन्वायरमेंट में नहीं मिल सकता, सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ भी मैं अपने बच्चों को भी एडवाइस करता हूँ, और आप भी अब तो मेरे स्टूडेंट ही हो चुके हैं, तो मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी गलतियाँ मत करें, क्योंकि इस तरह के कॉलेजेस जो हैं गिने चुने ही हैं, एक नेरिस्ट है और एक स्लाइड्स है। इंडिया में 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर 10th से जो एजुकेशन स्टार्ट होता है वो बीटेक लग जाता है, अगेन आपको गेट दे करके अगर मास्टर डिग्री करना है आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चे एडवाइस भी करेंगे आपको आगे भविष्य में जाकर के कॉलेज में कि मुझे तो 2 साल करना है, मुझे तो 3 साल करना है, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप अपने पेरेंट्स से एडवाइस लीजिए, प्रोफेसर से एडवाइस लीजिए, कुछ एजुकेशन पर्सन जो एजुकेटेड पर्सन है उनसे एडवाइस लीजिए, वहाँ से आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी कुछ जैसे बता रहे हैं कुछ बच्चे खेलने कूदने के व्यू से जाते हैं, उनका गोल और एम कुछ होता नहीं है, वो लोग जाते हैं 3 साल होता है धूमधड़क का जो भी खेलना कूदना होता है, फिर वो कम बैक हो जाते हैं, और वो कम बैक जब होते हैं तो उनके साथ ब्रिलियंट जो बच्चे हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल कि एट फ्यूचर वो साइंटिस्ट तक बन सकते हैं, वो बच्चे भी कम बैक हो जाते हैं, और लास्ट में उनको रियलाइज होता है कि यस ये तो मैं इतना बड़ा चीज़ गेन कर सकता था, लेकिन ड्यू टू दिस वन कुछ छोटे छोटे कारण के कारण मैं वहाँ से चला गया। तो आप इतनी बड़ी गलती आप आई होप सो कि आप नहीं करेंगे। तो राजू मेरे इतने सारे कम्युनिकेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ।
आप कटअप के चक्कर में मत रहिए कि क्या कटअप आना है क्या कटअप नहीं आना है। अभी टोटल गोल है आपका स्लाइड्स टॉप 100 में आना। आप टॉप 100 में आइए, गोल रखिए, अदरवाइज टॉप 50 में गोल रखिए, स्कॉलरशिप आपके साथ होगा। अगर बेटर परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं तो आप ही के साथ स्कॉलरशिप है, सारी फैसिलिटीज आपके साथ है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो प्रीवियस ईयर में हमारे साथ गए हुए हैं, हमारे इस इंस्टीट्यूट से गए हुए हैं, उनको जो स्कॉलरशिप ही इतना मिलता है लगता नहीं कि उनको फीस भी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज के साइड से स्कॉलरशिप उनको मिलता रहता है। तो इनकी चिंता मत कीजिए, टोटल अपने एजुकेशन पे फोकस कीजिए, गोल एक बनाइए और जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं उनसे मोटिवेट होते रहिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। जय हिंद, हरे कृष्णा।